अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय चैनल। जी तो आज आप देख रहे होंगे कि बेबीज़ के बारे में कुछ वीडियो है। जी, बिल्कुल। तो ये देखें, जैसे ही आपके घर में बेबीज़ माशाल्लाह से एंट्री करते हैं, आ जाते हैं, तो कुछ इस तरह से आपकी चीज़ें जो हैं वो डेकोरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने भी इसी वजह से अपने बेबीज़ की जो फेवरेट चीज़ें हैं उनको यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो और भी कुछ चीज़ों से आज मैं आपको मुतारिफ़ करवाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। आज की वीडियो फुली जो है वो आपके लिए आइडिया है कि आप किस तरह से अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बेबीज़ के रूम में लगाने के लिए। और ये अनदर डोर पे मैंने इस तरह से फिश जो है ये लगाई है, और ये देखिए यहाँ पे गाड़ी भी लगाई हुई है, और ये आपको कीज़ रखने के लिए कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने रूम का टूर जो है वो भी मैं आपको करवाऊंगी, दिखाऊंगी मैं आपको कि सो क्यूट ब्लॉक का जो रूम है जी वो कैसा है। तो फिलहाल तो आप इन चीज़ों को इंजॉय करें, एक आइडिया है आपके साथ। आप और भी चीज़ें चाहें तो आप वो भी डोर पर लगा सकते हैं। और ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्यारा सा गिफ्ट दिया है मैंने और मोमना के पापा ने मोमना को, मोमना के बर्थडे पे। और ये इसका जो एक ईयर है ना, ये यार्न ने तोड़ दिया है और अब इसको लगवाएंगे। अभी कुछ दिन ही हुए थे साइकिल को परचेज किए हुए। ये है जी, ये साइकिल है और ये मेरे रूम में पड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। दोनों इस पे बैठते हैं और खूब इंजॉय करते हैं जी। तो इस तरह से भी आप इन चीज़ों को भी रूम में रख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो। और ये सारा कुछ जो है ना वो स्पेस पे डिपेंड करता है, अगर आपके रूम में स्पेस है तो। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है ना वो आपको या तो सहन में रखनी पड़ती हैं या फिर कहीं ना कहीं स्टोर में ये चीज़ें बेचारी जो है ना वो पड़ी रहती हैं, क्योंकि आपके पास रूम में जगह नहीं होती है, ये वजह होती है जी। आपको पसंद आए कमेंट में मुझे बताइएगा, और अगर आपने मुझसे साइकिल की कीमत पूछनी है तो ये भी ज़रूर बताइएगा। ये तकरीबन 4000 के लगभग है, तो प्रॉपरली मैं इंशाल्लाह इसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आपको बता दूंगी अगर आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं कि आप इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी है, और ये जो मैंने आपको प्राइस बताई है ये मैंने आपको होलसेल की बताई है, और अगर आप इसको परचून आई थिंक बोलते हैं उसको, वहाँ से परचेज करेंगे तो आपको ये ज़्यादा प्राइसेस की मिलेगी। आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये मिल्हा की खूबसूरत आवाज़ें हैं, इंजॉय करें इसको भी साथ साथ। वीडियो आपने पूरी देखी होगी, पसंद आए कहीं से भी जो है आपने इसको स्किप नहीं करना है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा पसंद आई है तो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दें मुझे। और कैट्स की आवाज़ कैसी लग रही है आपको, ये मिल्हा निकाल रही है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।